नमस्कार। बहुत पहले एक तो गाना निकला था, बड़ा प्यार से आज आपको सुनाते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। आज हम लोग हैं डीएमसी द्वारा निर्मित शमशान घाट, यहाँ कतरास में लिलौरी मंदिर के बगल में है ये, इसलिए लिलौरी मंदिर के शमशान घाट के इस मुख्य द्वार से अंदर जब आप प्रवेश जैसे ही करेंगे प्रवेश, तो ये आपको मिलेगा एकदम हर हर हाता हुआ पानी चलता हुआ। इसे डेली पानी सप्लाई होता है यहाँ श्रीमान, ज़बरदस्त पानी यहाँ पर देखिए। डीएमसी 1/18/2019-20 लगता है, उस समय 1920 को ये लगा कि निर्माण हुआ या बिगड़ने वाला मामला था, इस वर्ष जाने। लिलौरी मैया से भी निवेदन कर रहे हैं, मैया यहाँ पर जो लोग आते हैं कम से कम नगर निगम से जुड़े हुए अधिकारियों को और उनके कर्मचारियों को एक सद्बुद्धि दीजिए, इसी जगह पर हम सबको आना है, आपको भी आना है, हमको भी आना है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था करोड़ों का यहाँ पर बना हुआ है क्या श्रीमान, शमशान घाट। ज़बरदस्त खर्चा हुआ है, ज़बरदस्त खर्चा, पेपर ब्लॉक का काम ज़बरदस्त, सामने का ट्यूनिंग बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन बात उठती है कि अगर कोई यहाँ किसी व्यक्ति का लाश जलाने आता है तो अगर वो सक्षम है तब तो पानी लेकर आ जाएगा, लेकिन अगर सक्षम नहीं है तो ये चापाकल के पास दिन भर चलाते चलाते कहीं ऐसा ना हालत हो जाए उसकी खुद ही की नैया निकल जाए। प्रभु नगर निगम के अधिकारी, प्रभु नगर निगम के कर्मचारी, प्रभु नगर निगम के सारे जुड़े हुए इससे व्यक्ति कदवध तरीके हाथ जोड़कर निवेदन, एक ही निवेदन, अगर आपके तक ये वीडियो पहुंच गया है तो एक जरूर कोशिश कर दीजिए। यहां पर जो लोग आते हैं सुखी मन से तो आते नहीं है, हालांकि अंतिम जीवन की पड़ाव यही है, यहां ये चापाकल को, यह चापाकल को आप चालू करवा दीजिए। जैसा मेरे पास जानकारी है एक या दो चापाकल है, दोनों की स्थिति खराब है और यहां स्वाद भी खत्म है इनका। जब चलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि नीचे से क्या मिलेगा आपको समझ में आता है। हालांकि करोड़ों का देखिए यहां पर जिस तरीके से काम किया गया, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी वाली बात नहीं कर रहे, बड़ा बढ़िया सुव्यवस्था किया गया। लेकिन जब सुव्यवस्था की आप बात करते हैं तो एक व्यवस्था को तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जल ही जीवन। जब मुजदा घाट में जल नहीं मिल रहा है श्रीमान, जब शमशान में जल नहीं मिल रहा श्रीमान, तो मुझे लगता है आम आदमी को, जनमानस को आप जल की सुविधा मुहैया करवाने के लिए जो आपके बगल में टंकी बन रहा है, लिलौरी मंदिर जब जाते समय आप देखेंगे आपके बगल में जो टंकी का निर्माण हो रहा, अब ये चल रहा है कि रुका हुआ, ये तो ठेकेदार साहब ही जाने और इनके अधिकारी ही जाने। मेरा यह काम है, मेरा एक ही बात पूछना है, हम तो डंके की चोट से ये बात पूछना चाहते हैं, जब आप किसी पायलट प्रोजेक्ट को धरती पर लाते हैं, जब किसी आप पायलट प्रोजेक्ट को जिले पर लाते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें आप क्यों नहीं देखते कि मूलभूत सुविधा उन जगहों पर क्या क्या करें। बहुत अच्छा है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ आपने की, लेकिन इस व्यवस्था, अगर मुझे लगता है इतनी सक्षमता तो जरूर है, जब आप करोड़ों का शमशान घाट जीर्णोद्धार की स्थिति से खड़ा कर सकते हैं, कलकत्ता और दिल्ली से लाकर घास लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है ये पाइप आपके बस की बात है श्रीमान। और निवेदन यही है, यदि आप चाहें तो यह काम हो सकता है। धन्यवाद, कतरास की जनता से यही निवेदन करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर कर, कम से कम यह उस जगह पर मैं आकर इस वीडियो को, मुझे लग रहा कि तकरीबन 5:30 या 6:15 का ठंडा का समय है, आज यहाँ कोई नहीं मिले, यहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी नहीं मिले। मैंने कर्मबद्ध तरीके से निवेदन किया, वो बोले कि कहीं व्यस्तता है सर, आप अपना काम कर लें। धन्यवाद उनको भी दे रहे हैं जो अपनी सेवा वो इस दुनिया में भी दे रहे हैं, जो दुनिया के लिए हम सभी शुरू से लास्ट तक एक प्रयास करते हैं और अंतिम यहीं जाना है। मैंने बस एक ही बात कहा है, झूठ मत बोलो, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, पैदल ही यहाँ आना है श्रीमान। चाहे आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, यहाँ आना तो है तय है, लेकिन अगर सुविधा नगर निगम मुहैया करवा पाता है तो मुझे लगता है काबिले तारीफ होगा। जय हिंद।